3 दिसंबर रविवार मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अहम दिन है। अन्य 3 राज्यों समेत मध्य प्रदेश में भी कल चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में वापसी करने जा रही है। इन नतीजों को लेकर भाजपा गदगद है। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान का बयान। सरकार बनाने जा रही मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप तो अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। कांग्रेस को भी यही कॉन्फिडेंस है कि सरकार में आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ होगा। एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए कमलनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। सर, देखिए मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है, कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तभी ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो उससे बात करो। कमलनाथ इस बयान से ये बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल कुछ भी दर्शाए, उन्हें जनता पर विश्वास है। कांग्रेस के आत्मविश्वास का एक नमूना प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर नजर आया, जहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ को जीत की अग्रिम बधाई दी जा रही है। मध्य प्रदेश में साल 2018 के मुकाबले 2023 में वोटिंग प्रतिशत में 1.2% की बढ़ोतरी देखी गई। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी तो वहीं भाजपा को 109 सीटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन दल बदल के कारण कांग्रेस ने सत्ता हाथ से गंवा दी।